षड् कर्म विवेचन। षड् कर्म आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 में भी पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं हम। हट योग की साधना में षड् कर्म का प्रमुख स्थान है, क्योंकि योग सिद्धि प्राप्त के लिए शरीर शुद्धि और आरोग्यता को अति आवश्यक माना गया है। यह शुद्धि षड् कर्मों के पालन से संभव है। जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित पंचकर्म शरीर शुद्धि होती है, उसी तरह षड् कर्मों से शरीर शुद्धि होती है। तो मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि जिस प्रकार से पंचकर्म का महत्व है शरीर शोधन के लिए आयुर्वेद में, वैसे ही शरीर शोधन के लिए षट कर्म का महत्व होता है योग में। इसके लिए योग्य व्यक्ति कौन कौन होते हैं? जिसमें मेद व श्लेष्मा की अधिकता हो, ठीक है, उसे सबसे पहले अर्थात प्राणायाम आदि के पूर्व षट कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु उक्त दोनों मेद व श्लेष्मा सामान्य अवस्था में रहे तो षट कर्मों की आवश्यक नहीं होता है। तो मेद और श्लेष्मा जिसमें अधिक मात्रा में होता है, उसका षट कर्म करना अति आवश्यक होता है। अगर उस व्यक्ति को अन्य कर्म योग में करने हैं तो उसका षट कर्म करना अति आवश्यक है। अन्यथा जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे कि जिसमें मेद और श्लेष्मा सामान्य अवस्था में है, उसके लिए षट कर्म उतना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो योग्य व्यक्ति आपको पता होना चाहिए। फिर षट कर्म क्या होता है? तो 6 कर्म के लिए आपको ये श्लोक याद रखना है। सबसे पहला कर्म होता है धोती, धोती, फिर उसके बाद होता है नौली, वस्ती, त्राटक, नेति और कपालभाति। ये 6 कर्म द्वारा नाड़ी शोधन या शरीर का शोधन योग में किया जाता है। तो पहला कर्म पढ़ते हैं, धोती कर्म। तो आपको ये श्लोक याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धोतिर वस्तीस तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षट कर्मानि समाचरित। सबसे पहला कर्म धोती कर्म। धोती शब्द का अर्थ धोना, शरीर की आभ्यंतर शुद्धि को धोती कहा गया है। घेरण संहिता के अनुसार धोती कर्म 4 प्रकार का होता है। तो धोती नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? धोना, शरीर को धोना, मतलब शरीर को आभ्यंतर तरीके से उसकी शुद्धि करना। तो ये भी 4 प्रकार से किया जा सकता है, अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। तो पहला जो अंतर धोती है वो भी और 4 प्रकार का होता है। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। षट कर्म आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि आपको अष्ट अंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये दोनों आपको बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में सारे इसके चार्ट्स और ये सब कुछ आपको बनाते आना चाहिए। अंतर धोती 4 और प्रकार का बताया गया है, वात सर, वारी सर, वहिनी सार और वहिष्कृत, ठीक है। इन्हें भी हम डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। दंत धोती 4 प्रकार का होता है, दंत मूल धोती, जीवा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। और हृदय धोती 3 प्रकार से हो सकता है, दंड धोती, वमन धोती, वासा या वस्त्र धोती। तो आपको नाम से भी काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा, तो एक एक करके अब इन्हें पढ़ते हैं। हठयोग प्रदीपिका में केवल वस्त्र धोती का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? पातंजल योग सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम ये षट कर्म पढ़ रहे हैं। अंतर धोती, सबसे पहला अंतर धोती में हमने पढ़ा था वात सार अंतर धोती। इसकी स्थिति क्या होती है, मतलब कैसे आसन में बैठना है? तो कुक्कुट आसन या ताड़ासन में बैठा जाता है, ठीक है। कुक्कुट आसन क्या है? जैसा तो वात सार अंतर धोती के लिए कुटांड आसन में बैठा जाता है, ठीक है, या फिर ताड़ासन में बैठा जाता है। विधि इसकी क्या है? दोनों ओठों को कौए की चोंच के समान करके धीमे धीमे वायु को पिए, पूर्ण रूप से पान करने के पश्चात पेट में उसका चालन करें एवं कुद मार्ग द्वारा बाहर निकाल दें। तो इस आसन में, जैसे इस आसन में पहले तो बैठना है कुकुटांड आसन में, और फिर उसके पश्चात कौवे के चोंच के समान धीमे धीमी गति से वायु पीते जाना है, ठीक है। और उसे फिर पीने के पश्चात धीरे धीरे कुदा मार्ग से बाहर निकाल देना है।
ये होता है वातसार अंतर्धौति। इससे क्या लाभ मिलता है? शरीर स्वच्छ एवं रोग रहित हो जाता है तथा जठराग्नि की वृद्धि होती है। फिर दूसरा होता है अंतर्धौति का प्रकार वारीसार। तो वारीसार नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जल का प्रयोग करा जाता है अंतर्धौति के लिए। स्थिति, इसमें भी कुकुटांड आसन में या ताड़ासन में बैठा जाता है। विधि, मुख से धीमे धीमे जल पीकर कंठ तक भर ले, फिर उसका चालन करके अधो मार्ग से निकाल दे। तो यहाँ पर जैसे वायु को पहली प्रोसेस में पिया जा रहा था मुख से, वैसे ही यहाँ पर जल को धीमी धीमी गति से पीना है और फिर अधो भाग यानी कि गुदा मार्ग से उसे धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर वारी के द्वारा मतलब जल के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है, इसलिए इसे वारी सार अंतर्धौति कहते हैं। लाभ, शरीर निर्मल हो जाता है, शरीरस्थ मल दूर होकर देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। व्यवहार में वारीसर के स्थान पर शंख प्रक्षालन का प्रविधान है। अब देखते हैं तीसरा, अग्निसार अंतर्धौति। यह स्थिति, इसमें भी कुकुटांड आसन या ताड़ासन की स्थिति होती है। विधि, श्वास को बाहर निकालकर नाभि को बार बार मेरुदंड के पृष्ठ भाग में लगाए, इस प्रकार एक श्वास में 100 बार करें। तो अग्निसार में अग्नि की वृद्धि करी जाती है, ठीक है। और अग्नि कहाँ पर स्थित होती है? कोष्ठ में स्थित होती है, नाभि के समीप होती है, इसलिए नाभि को बार बार मेरुदंड मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो नाभि को बार बार मेरुदंड के पृष्ठ भाग तक कर लगाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कुल मिलाकर 100 बार की जाती है। और श्वास को बाहर निकाल कर, ठीक है, श्वास को मतलब जब एक्सपिरेशन कर दिया जाएगा उसके पश्चात नाभि को मेरुदंड से 100 बार लगाया जाता है, इसे ही अग्निसार बोला जाता है। इससे क्या लाभ मिलता है? उदर रोग नष्ट होते हैं एवं जठराग्नि तीव्र होती है। इसको करने से शरीर देवताओं के समान हो जाता है। फिर चौथा होता है बहिष्कृत अंतर्धौति। इसकी स्थिति भी कुकुटांड आसन या ताड़ासन ही होती है। विधि, जल में नाभि पर्यंत खड़े होकर। तो इसमें क्या करना है? इसमें जल में खड़े होना होता है। कितना जल होना चाहिए? नाभि तक के वहाँ पर जल होना चाहिए। शक्ति नाड़ी या त्रिवली को बाहर निकाले, फिर जो गुदा में प्रेजेंट होती है त्रिवली, ठीक है, उसे बाहर निकाला जाता है और उसे भली प्रकार धोकर स्वच्छ करे। इसके पश्चात हाथों से घृत लगाकर पुनः त्रिवली को उदरस्थ कर ले। तो उसे यहाँ पर स्वच्छ करने के पश्चात त्रिवली को बाहर निकालकर पानी में धोया जाता है। पानी से स्वच्छ करने के पश्चात उस पर घृत लगाया जाता है और घृत से लिप्त करके उसे दोबारा से उदरस्थ मतलब अंदर कर लिया जाता है। यही है बहिष्कृत अंतर्धौति। बहिष्कृत मतलब कि बाहर निकालकर शोधन करके दोबारा से त्रिवली को उदरस्थ कर दिया जाता है, ठीक है। लाभ, शरीर देवताओं के समान हो जाता है। तो ये चार जो है हमने प्रकार पढ़ लिए हैं अंतर्धौति के। पहला था वातसार, दूसरा है वारीसार, तीसरा होता है अग्निसार और चौथा होता है बहिष्कृत। फिर दूसरा प्रकार धौती में होता है दंत धौती। तो यहाँ पर क्या साफ किया जाना है? यहाँ पर दांतों की सफाई होती है। दंत मूल धौती पहला प्रकार इसका ये होता है। विधि, खदिर के रस या शुद्ध मिट्टी से दंत मूलों को नित्य साफ करें। लाभ, दंत रोगों से रक्षा होती है। तो यहाँ पर खदिर के सार से यानी कि खदिर के रस से दांतों को साफ किया जाता है। जीवामूल धौती में तर्जनी, मध्यमा व अनामिका तीनों अंगुलियों को गले में डालकर जीवा को जड़ तक स्वच्छ करना चाहिए। तो तीनों अंगुलियों के द्वारा, ठीक है, तीनों अंगुलियों के द्वारा जीवा के मूल का यहाँ पर शोधन किया जाता है। लाभ, कफ का निवारण होता है एवं रोगों का नाश होता है। और तीसरा होता है कर्ण रंध्र धौती। दोनों कानों के रंध्रों को तर्जनी और अनामिका अंगुलियों को मिलाकर उनसे नित्य प्रति शुद्धि करें। तो यहाँ पर अनामिका अंगुली का और तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया जाता है कर्ण रंध्र यानी कि कान के रंध्रों को साफ करने के लिए। लाभ है, इससे नाद प्रकट होता है। नाद मतलब कि जो आपका वॉल्यूम है, जो साउंड है, वो और अच्छा हो जाता है, मतलब
साउंड नहीं मतलब साउंड सुनने की कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फोर्थ है कपाल रंध्र धोति विधि। दाएं हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करना चाहिए। यह नित्य प्रातःकाल भोजन के बाद एवं सायंकाल में करना चाहिए। लाभ इससे क्या प्राप्त होता है, कफ दोष का निवारण होता है एवं नाड़ी मल रहित हो जाती है। तो ये चार प्रकार की धोती हमने पढ़ी है दंत धोती में, ठीक है। दंत धोती में पहली तो दंत मूल धोती थी, फिर दंत के आसपास वाली चीज़ें कर्णरंध्र धोती, जीवामूल धोती, कपाल रंध्र धोती, ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हृदय धोती। हृदय धोती के भी तीन हमने भेद पढ़े थे, दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। तो यहाँ पर हृदय को शुद्ध किया जाता है इन तीन माध्यमों के द्वारा। दंड का अगर प्रयोग किया जाएगा तो उसे दंड धोती बोला जाएगा, जिसमें किसका दंड प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेम हो जिसकी, जैसे कि केले और हरिद्रा की, ठीक है। या वेत के दंड को हृदय के मध्य यानी कि उदर में बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। लाभ कफ पित्त व क्लेद को बाहर निकालती है एवं हृदय रोगों का नाश करती है। तो इसका मेन काम क्या है कि ये कफ पित्त और क्लेद ये तीनों चीज़ों को बाहर निकालती है और हृदय रोगों को नष्ट करती है। फिर दूसरा है वमन धोती। भोजन पच जाने के पश्चात आकंठ जल पीकर ऊपर देखते हुए वमन द्वारा बाहर निकाल दे। तो वमन जो नॉर्मल प्रोसीजर हम पंचकर्म में पढ़ते हैं वही यहाँ पर करी जाती है, बस यहाँ पर आकंठ जल पान करके वमन करवाया जाता है, ठीक है। किसी भी मेडिकेशंस का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, केवल आकंठ जल पान से ही वमन करवाया जाता है। लाभ कफ एवं पित्त बाहर निकल जाते हैं और व्यवहार में वमन धोती के स्थान पर कुंजल क्रिया का प्रविधान है। तो जो कुंजल क्रिया होती है वो ही वमन है और वो ही अभी प्रचलित है, उसे किया जाता है कफ और पित्त की शुद्धि के लिए। तीसरा है वस्त्र धोती। तो यहाँ पर हृदय की शुद्धि के लिए वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। विधि है महीन सूती वस्त्र को 4 अंगुल चौड़ी एवं 15 हाथ लंबी पट्टी लेकर धीरे धीरे जल के साथ निकले, फिर इसे धीरे धीरे बाहर निकालें। इससे लाभ क्या प्राप्त होता है, कास, श्वास, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त विकारों का शमन होता है, आरोग्य एवं बल वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये तीन प्रकार से हमने हृदय धोती भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट है मूल शोधन। इसकी विधि है हल्दी की जड़ियां मध्यमा अंगुली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः मल द्वार का प्रक्षालन करें। तो यहाँ पर मल द्वार का शोधन किया जाता है, वो भी किससे, हल्दी की जड़ से या मध्यमा अंगुली से। लाभ कोष्ठकाठिन्य एवं अजीर्ण का नाश होता है, कांति एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है एवं अग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये हमने पहला जो धोती होता है, सबसे पहला षटकर्म वो हमने पढ़ लिया है। सेकंड जो षटकर्म में आता है वो है बस्ती। घेरण संहिता में बस्ती के 2 भेदों जल बस्ती एवं शुष्क बस्ती का वर्णन है, जबकि हट योग प्रदीपिका में केवल जल बस्ती का वर्णन है। तो बस्ती 2 प्रकार से यहाँ पर होती है, एक होती है जल बस्ती और एक होती है शुष्क बस्ती, ठीक है। ये घेरण संहिता के अकॉर्डिंग बताया है और हट योग प्रदीपिका में केवल और केवल जल बस्ती का ही वर्णन किया है। जल बस्ती क्या होती है, नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन में बैठकर गुद प्रदेश का बार बार आंकुचन एवं प्रसारण करना जलवस्ती कहलाता है। और इससे लाभ क्या क्या मिलेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर गुदा का प्रक्षालन किया जा रहा है, गुदा को स्वच्छ किया जा रहा है, तो गुदा में होने वाले जो भी रोग है और जो भी अग्नि से संबंधित व्याधियाँ होती है वो सभी यहाँ पर नष्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग और वात पित्तजन्य अन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और शरीर को कामदेव के समान स्वच्छ एवं सुंदर बनाती है, ठीक है। तो इतने सारे लाभ होते हैं जलवस्ती के। कैसे किया जा रहा है, नाभि पर्यंत जल में गुदवलियों को बाहर निकालकर अंकुचन प्रसारण किया जाता है, ठीक है। उत्कुट आसन में बैठ कर गुदा का अंकुचन और प्रसारण किया जाता है। वली बाहर निकालने वाली प्रोसेस हमने कहीं और पढ़ी है, ठीक है। दूसरा है शुष्क या स्थल वस्ती।
तो इसमें पश्चिम उत्तानासन में बैठा जाता है, ठीक है। इससे पहले उत्कुट आसन में बैठ रहे थे। उत्कुट आसन वही आसन है जिसमें मल त्याग किया जाता है, ठीक है। और पश्चिम उत्तानासन वो आसन होता है जिसमें नॉर्मली बैठ करके आगे की ओर बॉडी को बेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुदा प्रदेश का ही पुनः पुनः आकुंचन प्रसारण किया जाता है, बस यहाँ पर आसन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पश्चिम उत्तानासन में ये किया जाता है और इसे जल में नहीं करते हैं, इसे नॉर्मल ग्राउंड पर करते हैं, इसलिए ये स्थल वस्ती कही जाती है। इससे क्या लाभ मिलता है? कोष्ठ दोष एवं आमवाद का निवारण होता है एवं जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है वस्ती, जो कि दो प्रकार का होता है। अब तीसरा षटकर्म होता है नेति। नेति भी पुनः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सूत्र नेति और दूसरा है जल नेति। सूत्र नेति की विधि है एक वितस्ती, यानी कि आधा हाथ लंबा सूत्र लेकर एक नासिका छिद्र में घुसाए एवं मुख द्वारा बाहर निकालकर घर्षण करे। यह क्रिया दूसरे नासा छिद्र से भी दोहराए। सुविधा के लिए सूत्र के स्थान पर रबड़ कैथेटर का उपयोग भी किया जाता है। तो सूत्र नेति में सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और एक नासिका से सूत्र का प्रवेश करके घर्षण करके दूसरे नासिका से उसे बाहर निकाल करके इससे नासिका की सफाई करी जाती है। लाभ है, इससे कपाल शोधन करती है एवं कफ दोष का नाश करती है, ऊर्ध्व जठरगत रोग का नाश करती है एवं दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ पर जितने भी ऊर्ध्व जठरगत लाभ है नासिका के शोधन होने से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि, मतलब नेत्र को भी यहाँ पर शक्ति मिलती है, कपाल शोधन हो जाता है और साथ में कफ दोष का भी यहाँ पर नाश हो जाता है। फिर दूसरी नेति होती है जल नेति, जिसमें सूत्र के स्थान पर जल का प्रयोग करा जाता है। पहले हम देख लेते हैं इसकी आवश्यकता, तो इसमें क्या क्या चीज़ों का उपयोग करा जाता है। सबसे पहला है नेति पात्र, ठीक है, जो कि तांबे का, प्लास्टिक का या स्टील का किसी से भी निर्मित हो सकता है। सुखोष्ण जल उसमें होना चाहिए उस पात्र में। और तीसरा सैंधव लवण मिश्रित जल होना चाहिए, ठीक है। स्थिति ताड़ासन या उत्कुट आसन में बैठकर इसे किया जाता है। और इसकी विधि क्या है? ताम्र पात्र या पीतल पात्र जिसमें ऊपर से मोटे मुख की नली जो नाक में आ सके लगी हो, ऐसा पात्र लेना चाहिए। तो पात्र यहाँ जैसे कि फोटो में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार का पात्र लेना है जिसका मुख नासिका के छिद्र में प्रवेश कर सके, ठीक है, ऐसा पात्र लेना चाहिए। उस पात्र में उष्ण जल लेना चाहिए, एक चम्मच सैंधव लवण उस पात्र में डालना चाहिए। जल नेति क्रिया को बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है, ताड़ासन में करना अच्छा माना जाता है। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि ताड़ासन इसके लिए उत्तम पोजीशन है, या फिर उत्कुट आसन में बैठकर भी कर सकते हैं या खड़े होकर भी इसे कर सकते हैं। ताड़ासन में स्थित होकर कुछ आगे झुककर सिर को थोड़ी से दूसरी ओर मोड़े, तो थोड़ा फेस को जैसे फोटो में दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा बेंड करके ये कर्म किया जाता है। तो ये था जल नीति। और आगे प्रोसेस बताई जा रही है। धीरे धीरे ताम्र पात्र की नली को नासा छिद्र में प्रविष्ट कराए, मुख को खोलकर श्वास लेना चाहिए, पानी के पात्र को कुछ ऊंचा करना चाहिए। इस तरह करने से पानी दूसरे छिद्र से बहने लगता है, इसी प्रकार दूसरे नासिका द्वार से करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपीट किया जाता है फिर दूसरे नासिका छिद्र से भी। इसके पश्चात कर्म में क्या करना है? जल नेति कर्म के बाद खड़े होकर 2-3 बार उड्डयन बंद लगाना चाहिए। तो उड्डयन बंद क्या होता है ये आगे हम बंद पढ़ने वाले हैं, उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि उड्डयन बंद में जो आपका थोड़ी होती है, थोड़ी, ठीक है, उसे गले तक के लगाया जाता है, ठीक है, और अपने शरीर को भी इस स्थिति में रखा जाता है। तो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 20-30 बार कपाल भाती करनी चाहिए, इससे नासिका विवर में अवशिष्ट पानी की बूंदें बाहर निकल जाती है, ठीक है, और कपाल भाती भी एंड में यहाँ पर करा जाता है।
क्योंकि जो भी पानी की बूंदें वहाँ अंदर रह गई है वो कपाल भाति के द्वारा फिर बाहर निकल आती है। नेति कर्म के अयोग्य व्यक्ति होते हैं नासा अर्बुद में, नासा ग्रंथि में, रक्त पित्त में, ग्लोकोमा में और शिराशूल में। तो ये सभी व्याधियों में नेति कर्म नहीं किया जाता है। लाभ है सूत्र नेति के समान ही इसके भी लाभ होते हैं। फिर फोर्थ कर्म होता है षट कर्म में नौली। नौली की विधि ये है कि आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है, खड़े होना है, ठीक है, 1 से 1.5 फीट का दोनों पैरों के बीच में अंतर रख के, और फिर घुटनों को थोड़ा मोड़ लेना है, ठीक है, घुटने को मोड़कर उसके ऊपर हथेली रखी जाती है और सांस बाहर निकालते हुए थोड़ा सा झुकना होता है। अब बाएं घुटने पर थोड़ा दबाव डालते हुए दाएं घुटने को ढीला छोड़ दें, तो एक ही घुटने पर एक समय पर दबाव डाला जाता है और दूसरे पर को ढीला छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बाएं घुटने पर दबाव डाला जा रहा है और दक्षिण वाले को सीधा रखा जा रहा है, जिससे कि रेक्टस मांसपेशी वाम भाग की तरफ सीधी कड़ी दिखाई देगी। इसे वाम नौली कहते हैं। तो अगर वाम घुटने पर दबाव डाला जाएगा तो वो वाम नौली कहलाएगा, और अगर यही प्रोसेस अगर दक्षिण घुटने के साथ में करी जाएगी तो वो दक्षिण नौली कहलाती है। और अगर इसे अल्टरनेट किया जाता है, मतलब लगातार एक के बाद एक करा जाता है, तो वह नौली चालन कहलाता है, ठीक है। इसका अभ्यास होने पर मध्य नौली संपूर्ण रेक्टस का अभ्यास करें। इससे क्या लाभ प्राप्त होगा? अग्नि की वृद्धि होगी, क्योंकि एक तरीके से ये किसकी एक्सरसाइज है? रेक्टस मसल की। रेक्टस मसल कहाँ होती है? एब्डोमेन में होती है। तो अगर एब्डोमेन की मसल्स की एक्सरसाइज होगी तो यहाँ पर क्या होगा? अग्नि की वृद्धि होगी एवं अजीर्ण का नाश होता है। अग्नि से संबंधित सभी रोगों का नाश होता है। फिर पांचवा कर्म है त्राटक। त्राटक की निरुक्ति। जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। तो त्राटक मतलब कि किसी एक वस्तु को लगातार देखते रहना। त्याटक शब्द से त्राटक बना है। यह त्रि शब्द तीन संख्या का वाचक है, यह निरंतरता का वाचक होता है और लगातार देखना, ठीक है। त्राटक का मतलब है किसी एक चीज़ को देखना और वो भी लगातार, मतलब निरंतरता बनाए रखना। जब हम कोई वस्तु को एक बार देखते हैं तो यह एक टक कहलाती है, ठीक है। वही जब कुछ देर तक देखते हैं तो द्वाटक कहलाती है। वही जब किसी वस्तु को निरंतर अक्षी निमेश रहित दीर्घ काल तक देखते हैं तब उसे त्राटक संख्या दी जाती है, ठीक है। तो त्राटक आपको समझ में आ गया। त्राटक से पहले भी दो कंडीशंस आती है। एक होता है एक टक देखना, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए उस वस्तु को देखते हैं। फिर द्वाटक होना, द्वाटक में थोड़ी और ज़्यादा देर तक के उस वस्तु को देखा जाता है, और त्राटक अगर निरंतर लगातार दीर्घ काल तक उसे देखा जाता है तब उसे त्राटक संज्ञा दी जाती है। एकाग्रचित होकर निश्चल दृष्टि से किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य को लगातार देखना जब तक अश्रुपात ना हो जाए उसे त्राटक कहा गया है। फिर ये भी तीन प्रकार का है, अंतः त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। अंतः त्राटक क्या है? आंखें बंद करके भ्रू मध्य हृदय नाभि चक्रों को देखना, मतलब अंतः स्थित देश को देखना अंतः त्राटक होता है। और मध्य त्राटक किसी धातु पत्थर से बनी वस्तु को देखना, नासिका अग्रभाग को देखना, ठीक है। मध्यम त्राटक में किसी पत्थर को या किसी वस्तु को देखना या फिर नासिका के अग्रभाग को देखना। बाह्य त्राटक में चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, सूर्य की किरणें आदि को देखना बाह्य त्राटक होता है। तो त्राटक कुछ इस तरीके से पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से किया जाता है। ये मध्य त्राटक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत दूर की वस्तु को नहीं देखा जा रहा है, समीप की वस्तु को देखा जा रहा है। त्राटक वर्ज्य स्थान क्या होते हैं? तो धूल मिट्टी वाले स्थान, जिसमें धूल मिट्टी की वजह से नेत्रों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ पर पलके भी नहीं झपकाई जाती है, ठीक है, तो वो इस स्थान पर त्राटक नहीं करना है। कम प्रकाश वाले स्थान पे, तेज प्रकाश में भी नहीं करना है, तेज हवा वाले स्थान पर भी नहीं करना है। त्राटक पूर्व क्रियाएं क्या करना है होती है? आँखों से संबंधित व्यायामों को 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। जैसे आँखों को ऊपर नीचे की ओर करना 3 से 5 बार, मतलब आई एक्सरसाइज यहाँ पर बताई जा रही है कि त्राटक से पूर्व निरंतर, क्योंकि आपकी आई मसल्स में स्पास्म हो सकता है निरंतर इस तरीके से प्रयास करने से, तो इसलिए हमें पहले ही वहाँ पर आई एक्सरसाइज कर लेना चाहिए।
तो कैसे कर सकते हैं हम आई एक्सरसाइज? आँखों को ऊपर नीचे करके 3 से 5 बार, आँखों को दाएं बाएं करके, फिर आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। इसके बाद त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। तो त्राटक के पूर्व क्रिया भी हमने देख ली और त्राटक के लिए स्थान चयन कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा। प्रधान कर्म स्थिति कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यानात्मक स्थिति में ही बैठना है। एकांत और शांत स्थान में दीवार से 3 से 4 फुट के अंदर पर बैठना चाहिए। दीपक जलाकर उसे 3 फुट की दूरी पर आँखों के सीध रखना चाहिए। दीपक निवास स्थान पर रखना चाहिए। बिना पलक झपके दीपक की लौ को निरंतर देखें। जब अश्रुपात या आँखों में जलन होने लगे तब आँख बंद कर लेनी चाहिए। पश्चात दोनों हाथों को मर्दन करके आँखों पर मृदु अभ्यंग करके धीरे धीरे आँखों को खोलना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस होती है देखने की, ठीक है, यानी कि त्राटक की। केंद्रित वस्तुएं, बहुत प्रकार की केंद्रित वस्तुएं हो सकती है, जलता हुआ दीपक या मोम, सफ़ेद कागज़ में काला बिंदु लगाकर भी देख सकते हो, भ्रू कुटी में श्वेत तिलक लगाकर उसका प्रति दर्पण में देखना, भ्रू मध्य और नासाग्र को देखना, ठीक है। तो बहुत सारी वस्तुओं को आप त्राटक के लिए चुन सकते हो। इससे लाभ क्या होता है, नेत्र रोग, हर, तंद्रा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वर्ज्य व्यक्ति है शिरःशूल, जिसे शिरःशूल होता है उसे नहीं करना है। अपस्मार के रोगी को नहीं करना है और अनिद्रा एवं रात्रि में अभ्यास इसका नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब जब नींद नहीं हुई है और रात्रि है तब भी इसका अभ्यास आपको नहीं करना है। फिर सबसे लास्ट कर्म षट कर्म में होता है कपालभाति। कपालभाति आपने नॉर्मली भी सुना होगा, ये एक प्राणायाम का भी हिस्सा होता है। बहुत सारे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति भी किया करते हैं, तो वही सेम षट कर्म के अंतर्गत भी आता है। इसकी विधि क्या होती है, लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने को कपालभाति कहते हैं। जैसे हमने भस्त्रिका में पढ़ा था कि भस्त्रिका भी क्या है, लोहार की भांति के समान ही उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, वैसे ही कपालभाति में आवाज़ उत्पन्न होती है। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर सांस अंदर ले फिर बलपूर्वक एवं शीघ्रता से सांस बाहर निकाले, यह कार्य उदर की मांसपेशी की सहायता से होना चाहिए, ठीक है। फिर सांस को स्वतः अंदर आने दे, तो शीघ्रता से पूरक और रेचक यहाँ पर करा जाता है और फिर धीरे धीरे स्वयं ही सांस वहाँ पर अंदर आने दी जाती है। इस प्रकार एक श्वास में 20 बार सांस निकाले एवं अंदर ले, तो यहाँ पर एक बार की सांस में इतने बार पूरक और रेचक आपको करना है और फिर वहाँ पर धीरे धीरे सांस छोड़ना है, धीमे धीमे श्वसन गति को बढ़ाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कपालभाति किया जाता है। इससे लाभ क्या मिलेंगे, तो कफ रोगों को नष्ट करती है। घेरण संहिता में कपालभाति के 3 भेदों का वर्णन है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, ठीक है। तो ये है कपालभाति के अन्य 3 भेद जो कि घेरण संहिता में बताए गए हैं। वात क्रम क्या होता है, विधि वाम नासिका छिद्र से वायु को भरे एवं दक्षिण नासिका छिद्र से निकाल दे, पुनः दक्षिण से भरकर वाम छिद्र से निकाल दे, ठीक है। मतलब अल्टरनेट ये आपको प्रोसेस करते रहना है अल्टरनेट नासा छिद्र से, यह कफ दोष का निवारण करती है। व्युत क्रम, नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा जल खींचे और मुख के द्वारा निकाल दे, मतलब यहाँ पर जल का प्रयोग किया जा रहा है तथा मुख द्वारा जल खींचकर नासिका के द्वारा निकाल दे, और वही सेम प्रोसेस रिपीट करी जा रही है दूसरी ओपनिंग से। मतलब एक बार नासिका से जल लेना है, मुख से निकाल देना है और दूसरी बार में मुख से जल लेकर नासिका से निकालना है। इसे व्युत क्रम कपालभाति कहा जाता है। इसके लाभ है कफ दोष का निवारण करती है। शीत क्रम कपालभाति, सितकर करते हुए मुख द्वारा जल ग्रहण करके नासिका द्वारा निकाल दे। तो यहाँ पर जैसे हमने सितकारी पढ़ा था, सितकारी में किस तरीके से हमने जीवा को गोल गोल बनाकर वायु को अंदर लिया था, वैसे ही यहाँ पर मुख की स्थिति बनाए रखना है। और बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम वायु को अंदर लेते हैं, यहाँ पर हम जल को अंदर ले रहे हैं। और फिर जल को कहाँ से निकालना है, नासिका से निकालना है। लाभ कफ दोष नाशक एवं जरा नाशक होता है। शरीर स्वच्छ होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। तो ये 3 प्रकार जो है वो घेरण संहिता में बताए गए हैं। अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप कपालभाति की विधि और लाभ जो कि ऊपर लिखे गए हैं वो ही आपके लिए इनफ होगा, ठीक है।
तो ये पूरा षटकर्म आपको बहुत अच्छे से किसके क्या भेद है ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको सारी विधि भी इसकी ध्यान में रखनी है। षटकर्म क्यों किया जाता है इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे।